हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल मीनू ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको ये आलू का बर्मा परांठा सिखाऊंगी जो बनाने में बहुत आसान है। मैंने यहाँ बॉईल किए हुए आलू लिए हैं, इसको मैंने मैश कर लिया है। इसमें मैंने बारीक कटा हरा धनिया, बारीक कटा प्याज और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है। इसमें मैंने स्वाद अनुसार नमक, अमचूर पाउडर, बारीक कुटी हुई काली मिर्च, हरा धनिया, भुना हुआ जीरा, हींग, अजवाइन और गरम मसाला डालकर इसको हम मसाला तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारा आलू का मसाला बनकर तैयार हो गया है। मैंने यहाँ पर एक रोटी बेली है, उसके ऊपर मैंने यहाँ बटर लगाया है और इसमें आलू रखकर इस तरीके से हम आलू का परांठा बनाएंगे। फ्रेंड, इससे हमारा आलू है जो बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए इस तरह, और इसको हम साइडों से कटते हुए, बीच में नहीं बेलेंगे फ्रेंड, साइडों से कटते हुए हम इसको बेलेंगे। हमारा परांठा बेल गया है, इसको हम तवे पे डाल देंगे। जब हमारा परांठा सिक जाए तब हम इस पर थोड़ा सा बटर लगाएंगे। फ्रेंड्स, हमने ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का हल्का ही लगाना है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी इस पर बटर लगाएंगे। बिल्कुल हल्का हल्का बटर लगाना है क्योंकि हम कम ऑयल का बना रहे हैं। ये देखिए, हमारा परांठा सिक कर तैयार हो गया है। इसको हम दोनों तरफ से अच्छी तरह कुरकुरा कर लेंगे। बच्चों को तो ये फोल्ड करके भी दे सकते हैं। ये हमारा ये परांठे बनकर तैयार हो गए हैं। इसको दही के साथ सर्व करें। फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।